नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। कुकरेश्वर राजू पटेल नीमच जिले में काला सोना निकालने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश पटेल संघ के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पटेल ने कुकरेश्वर नगर के नंबरदार मुखिया जसवंत भोपा के खेत पर पटेल ने स्वयं ने दौड़े से दूध इकट्ठा किया एवं सरपले से दूध को दौड़े से लेकर अनुभव किया। वास्तव में एक किसान बहुत मेहनत करता है, पर एक अनोखी पहल अफीम को बचाने के लिए अनोखी पहल देखने को मिली। किसान के द्वारा 10 आरी के पट्टे को पूरी अफीम खत्म ना हो ऑडी पड़ जाती है। जड़ों में बीमारी लगने से सड़न होने पर अफीम ऑडी पड़ जाती है। उसकी रोकथाम के लिए पूरे खेत में लकड़ी के खूंटे लगाकर सुतली की रस्सी से पूरे खेत में पूरी अफीम के प्लांट को इस तरह बांध दिया कि हवा चलने पर अफीम का पौधा जमीन पर ना नहीं गिर सकता। लगभग 11,000 से 15,000 तक का खर्च सिर्फ इस अनोखी पहल में बचाव हेतु खर्च लगता है। किसान गिरजा शंकर मालवी ने बताया, इस तरह के बचाव हेतु अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग के लिए भी किया जाता है। नीमच जिले में अफीम की फसल की पैदावार होती है, साथ ही अफीम किस समय पर इसकी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित रहता है। विनोद मालवी ने कहा है, क्योंकि अफीम की फसल को बचाने के लिए किसानों को कई प्रकार के हथकंडे भी अपनाने पड़ते हैं ताकि फसल को सुरक्षित रखा जा सके। किसान नरेंद्र मालवी धन्ना ने कहा कि अफीम किसान लगातार अफीम के उत्पादन पर ध्यान दे रहा है एवं लुवाई चिराई का कार्य क्षेत्र में शुरू हो गया है।